जय गायत्री बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 2 में सब्जेक्ट मैथ पढ़ने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर है 9 और उसका पार्ट 3 यानी कक्षा 2 में विषय गणित पढ़ने जा रहे हैं और हमारा चैप्टर है 9 और उसका भाग 3। कैलेंडर देखकर पता लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पे देखो प्रश्न में दिया हुआ है कैलेंडर देखकर पता लगाइए। आपको एक कैलेंडर देखना है और उसके अनुसार आपको पता लगाना है। साल का पहला महीना कौन सा होता है? तो हम लिखेंगे यहाँ पे जनवरी। क्या लिखेंगे? जनवरी। मार्च के बाद कौन सा महीना आता है? मार्च के बाद हमारा आएगा अप्रैल। कौन सा आएगा? अप्रैल। अगस्त से पहले कौन सा महीना आता है? अगस्त के पहले कौन सा महीना आएगा? तो हमारा अगस्त के पहले आएगा जुलाई। कौन सा? जुलाई। फिर उसके बाद में साल का आखिरी महीना कौन सा होता है? साल का आखिरी महीना कौन सा होता है बच्चों? दिसंबर। कौन सा हुआ? दिसंबर। फिर कितने महीनों में 31 दिन होते हैं? कितने महीनों में 31 दिन होते हैं? तो ये हम देखते हैं यहाँ पे कैलेंडर में। तो कैलेंडर में देखिए हमें क्या मालूम पड़ा, कितने महीनों में 31 दिन होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 7 महीनों में। कौन से महीनों में? 7 महीने में। फरवरी में कितने दिन होते हैं? फरवरी में बच्चों 28 या 29 दिन। कितने होते हैं? 28 या 29 दिन। कितने महीनों में 28 दिन होते हैं? एक महीने में। खाली फरवरी का महीना ऐसा होता है जिसमें 28 या 29 दिन होते हैं। मई और जून में मिलाकर कुल कितने दिन होते हैं? तो मई हमारा 31 का होता है और जून हमारा 30 का होता है। तो कुल मिलाकर कितने दिन हुए? 61 दिन। कितने हुए? 61 दिन। फिर इस बार जुलाई में कितने रविवार हैं? तो इस बार जुलाई में कितने रविवार हैं? 1 2 3 4 5। कितने रविवार हैं? 5। 5 रविवार। फिर इस बार आपका जन्मदिन किस महीने में आए, किस दिन आएगा? अब आपका जन्मदिन जो भी हो, कौन से दिन आ रहा है? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बुधवार। आपका जिस दिन भी पड़ रहा है आप वो दिन लिख सकते हैं। आपकी सर्दी की छुट्टियाँ कितने दिनों की होती हैं? ठंडी की छुट्टियाँ आपकी कितने दिनों की होती हैं? 15 दिन की। दस दिन की। आपकी गर्मियों की छुट्टियाँ कितने दिन की होती हैं? तो आपकी गर्मियों की छुट्टियाँ कितने दिन की होती हैं? एक महीना, लगभग एक महीना 20 दिन। एक महीना बीस। फिर सोचकर उत्तर दीजिए। एक महीने का नाम बताओ जब आप आसानी से नंगे पैर घूम सकते हो। कौन से महीने में आप बिना चप्पल पहने हुए आराम से घूम सकते हो? तो कौन सा? दिसंबर। दिसंबर में ठंड पड़ती है तो आप बिना चप्पल के रह सकते हो। फिर आपके इलाके में सबसे अधिक बारिश किस महीने में होती है? तो देखो, यहाँ पे सोचकर आपको जवाब देना है। एक महीने का नाम बताओ जब आप आसानी से नंगे पैर घूम सकते हो। तो कौन से महीने में? दिसंबर लिख सकते हैं आप यहाँ पे। आपके इलाके में सबसे अधिक बारिश किस महीने में होती है? तो वो आप लिखो यहाँ पे जुलाई। कौन सी? जुलाई। फिर आपके इलाके में सबसे अधिक गर्मी का महीना कौन सा है? तो यहाँ पे आएगा जून। आपके इलाके में सबसे अधिक ठंडा महीना कौन सा होता है? नवंबर। कौन सा? नवंबर। फिर नीचे दिए गए महीनों में कौन से फल और सब्जियां बाज़ार में अधिक दिखाई देती हैं? तो बच्चों देखो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है नीचे दिए गए महीनों में से कौन से फल और सब्जियां बाज़ार में अधिक दिखाई देते हैं। नाम लिखिए, मई और जून। कौन से महीने में? मई और जून में आपको फल कौन कौन से दिखते हैं ज़्यादा? आम, अंगूर, तरबूज और खरबूजा। फिर उसके बाद में सब्जियों में आपको कौन कौन सी सब्जियां ज़्यादा दिखेंगी मई और जून में? गवार, भिंडी,
घिया, आलू। फिर आया आपका दिसंबर और जनवरी। दिसंबर और जनवरी महीने में आपको कौन से फल ज़्यादा दिखते हैं मार्केट में और कौन सी सब्जी आपको ज़्यादा दिखाई देती है? तो फल में सेब, अमरूद, अनार और केला। फिर उसके बाद में सब्जियों, सब्जियों में आपको कौन कौन सी सब्जियां दिखेंगी? बैंगन, सेम, पालक और मेथी, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आ गए, आप देखिए यहाँ पे आपको साल 2011 का कैलेंडर देखिए और उत्तर लिख दीजिए। जनवरी, ये देखो यहाँ पे आपको कैलेंडर दिया हुआ है, आप ध्यान से देख लीजिए। जनवरी महीना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो बच्चों देखो यहाँ पे आपको इस तरीके से कैलेंडर दिया हुआ है, ठीक है। अब इस कैलेंडर को देखकर आपको नीचे के प्रश्नों के जवाब देने। 2011 का आखिरी दिन कौन सा था? आखिरी दिन यानी साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर। तो कौन सा दिन था उस दिन? शनिवार। कौन सा दिन था? शनिवार। तो हम यहाँ लिखेंगे शनिवार। इस तरीके से कैलेंडर देख के ही आपको यहाँ पे जवाब लिखने हैं। फिर 2011 का पहला दिन यानी 2011 में पहला दिन कौन सा होगा? जनवरी का पहला दिन यानी 1 जनवरी। तो 1 जनवरी को देखो कौन सा दिन है? शनिवार। कौन सा दिन है? शनिवार। तो हम यहाँ लिखेंगे शनिवार। फिर है 2011 में कौन से महीने में 5 रविवार आते हैं? अब आपको कैलेंडर में देखना है कि कौन से महीने में 5 रविवार आए। तो कौन से महीने में इसमें कितने रविवार हैं? देखो 1, 2, 3, 4, 5 यानी जनवरी, जनवरी में 5 आए, इसमें 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें आपके 5 हैं यानी 2 हो गए, फिर इसमें 4 हैं, इसमें 5, फिर इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें 5, इसमें 4 और इसमें भी 4। तो कितने महीनों में आपके 5 रविवार पड़े हैं? 1, 2, 3, 4। कितने महीनों में पड़े हैं? 4 महीनों में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 महीने में। चार महीने में आपके 1 महीने में 5 रविवार आए हैं। तो 2011 में किस महीने में सबसे कम दिन थे? तो कौन से महीने में सबसे कम दिन थे? कौन से महीने में कम दिन होते हैं बच्चों? फरवरी। तो हम यहाँ लिखेंगे फरवरी। फिर 2011 में 15 अगस्त को कौन सा दिन था? 2011 में अगस्त महीना देखेंगे। 2011 में अगस्त महीना ये रहा, तो 15 तारीख कौन से दिन है यहाँ पे? सोमवार। कौन से दिन? सोमवार। तो हम यहाँ लिखेंगे सोमवार। फिर है 2011 में आपके बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? बाल, तो यहाँ पे 2011 में आपके बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बाल दिवस कौन सी तारीख बच्चों? 20 नवंबर यानी कौन से दिन पड़ रहा है आपको? रविवार। तो यहाँ पे लिखेंगे रविवार, ठीक है। तो देखा आपने, यहाँ पे आपने कैलेंडर के देखकर प्रश्नों के जवाब लिखे। उसके बाद में यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको समय पत्रक का अभ्यास करके निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यहाँ पे आपको टाइम टेबल दिया हुआ है, क्रम कौन कौन से पीरियड हैं और कौन कौन से दिन लिखे हुए हैं और कौन से विषय, ये यहाँ पे लिख के दिया है। किस दिन खेल का पीरियड है? अब आपको देखना है कौन से दिन खेल का। तो यहाँ पे बच्चों देखो, आपको इस तरीके से टाइम टेबल दिया हुआ है। यहाँ पे आपको पहला प्रश्न पूछा गया है कि किस दिन खेल का पीरियड है। अब आपको देखना है कौन से दिन आपका खेल का पीरियड है। तो ये देखो शनिवार को, कौन से दिन आपका खेल का पीरियड है? सोमवार और मंगलवार। कौन से दिन है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोमवार, फिर कॉमा करके मंगलवार।
फिर खेल के कुछ कुल कितने पीरियड हैं? खेल आपको एक हफ्ते में कितने पीरियड मिल रहे हैं? आपको दो पीरियड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? दो पीरियड। फिर किस दिन छात्र चित्र पीरियड का आनंद लेते हैं? चित्र का पीरियड आपका कौन से दिन है? देखो, सोमवार और बुधवार। कौन से दिन है? सोमवार और बुधवार। तो आप लिखोगे यहाँ पे सोमवार बुधवार, बुधवार। संगीत का पीरियड किस दिन है? संगीत का पीरियड आपका है बुधवार और शुक्रवार। कौन से दिन है? बुधवार शुक्रवार। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बुधवार शुक्रवार, शुक्रवार। गणित के कुल कितने पीरियड हैं? गणित के पीरियड कितने हैं बच्चों यहाँ पे? तो बच्चों गणित के पीरियड कितने हैं? आठ पीरियड। कितने? आठ पीरियड। सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना प्रतिदिन कितने पीरियड होते हैं? सोमवार से शुक्रवार तक कितने पीरियड होते हैं? आठ पीरियड। फिर उसके बाद में किस दिन सबसे कम पीरियड होते हैं? तो कौन से दिन सबसे कम पीरियड होते हैं? तो वो है आपका शनिवार। कौन से दिन? शनिवार। ठीक। उसके बाद में यहाँ पे देखो, आपको 12 महीनों के नाम और उनके आने वाले दिनों की संख्या लिखनी है। आपको यहाँ महीनों के नाम लिखने हैं और किस में कितने दिन हैं वो लिखना है। जनवरी 31 दिन, फिर यहाँ पे कौन सा महीना आएगा? फरवरी। कौन सा आएगा? फरवरी। तो ये कितने दिन का हुआ? 28 दिन। फिर यहाँ पे मार्च, मार्च कितने दिन का हुआ? 31 दिन। कितना? 31 दिन। फिर उसके बाद में अप्रैल, कौन सा है आपका? अप्रैल। अप्रैल कितना है? 30 दिन। फिर मई, मई कितना है बच्चों? 31 दिन। फिर आपका जून, कौन सा महीना आया? जून का। जून में कितने दिन है? 30 दिन। फिर जुलाई, जुलाई में कितने हैं? 31 दिन। फिर अगस्त, अगस्त में कितने दिन हुए आपके? 31। फिर यहाँ पे सितंबर, कितने? सितंबर, सितंबर में कितने दिन संख्या है? 30 दिन। कितने? 30 दिन। फिर आएगा आपका अक्टूबर, क्या आएगा? अक्टूबर, अक्टूबर में कितने हुए? 31 दिन। कितने? 31 दिन। फिर आपका नवंबर, कौन सा महीना आया? नवंबर। नवंबर में कितने दिन है? 30 दिन। फिर है आपका दिसंबर, दिसंबर में कितने दिन है बच्चों? ये हैं आपके 31 दिन। कितने? 31। ठीक है, इस तरीके से आपको अपनी सदस्यों में तालिका भरनी है। उसके बाद में आगे हम देखते हैं, आगे देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आपको यहाँ पे रिक्त स्थान बताने हैं। साल का सातवां महीना यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो सातवां महीना कौन सा हुआ? जुलाई। फिर साल का दसवां महीना, तो दसवां महीना कौन सा हुआ? अक्टूबर। कौन सा हुआ? अक्टूबर। फिर मई महीने में और नवंबर महीने में कितने दिन होते हैं? मई कितने का होता है बच्चों? 31। और नवंबर कितने का होता है? 30। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। और खाली जगह के दिन पाठशाला में छुट्टी होती है। कौन से दिन आपके स्कूल में छुट्टी होती है? तो रविवार। कौन से दिन होती है? रविवार को। सही दिन का नाम लिखिए। सोमवार के सात दिन बाद कौन सा दिन आता है? सोमवार के सात दिन बाद यानी
सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। तो सोमवार के 7 दिन बाद कौन सा दिन आएगा आपका? फिर से हमारा सोमवार आएगा। कौन सा आएगा? सोमवार। गुरुवार के 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? अब गुरुवार के 3 दिन बाद, गुरुवार के 3 दिन बाद, गुरुवार छोड़ दो, शुक्र, शनि, रवि, तो कौन सा दिन आएगा? रविवार। तो हमें यहाँ लिखना है रविवार। फिर यदि आज शुक्रवार है तो परसों कौन सा दिन होगा? आज शुक्रवार है तो कल शनिवार, परसों कौन सा दिन होगा बच्चों? रविवार। कौन सा दिन? रविवार। फिर बुधवार के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बुधवार के 3 दिन बाद, अब बुधवार के 3 दिन बाद यानी गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो कौन सा दिन होगा? शनिवार। तो यहाँ लिखेंगे शनिवार। फिर आज सोमवार है तो कल कौन सा दिन था? आज सोमवार है तो कल कौन सा दिन था? रविवार। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आपको सप्ताह के नाम लिखने हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे हम पहला दिन सोमवार, ठीक है, तो यहाँ पे सप्ताह का पहला दिन आपका कौन सा होगा? तो सप्ताह का पहला दिन होगा रविवार। कौन सा? रविवार। फिर दूसरा सोमवार, तीसरा मंगलवार, फिर बुधवार, फिर गुरुवार, फिर आपका शुक्रवार, और लास्ट में आपका है शनिवार। ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों आज आपने देखा, आज आपने इस वीडियो में यहाँ पे मैंने आपको जो भी स्वाध्याय पोथी में कराया, आपको इसे अपनी स्वाध्याय पोथी और नोटबुक दोनों में इस तरीके से करना है। तो आज के वीडियो के लिए इतने ही बच्चों। जय गायत्री।